अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी बाहर का मौसम जो है वो आप लोग देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही जो है वो बारिश हुई है। और मैं और अम्मी जा रहे हैं यहाँ अपने एरिया के ना एक मार्केट में, क्योंकि ना कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है वो मैं लेनी थी। तो हमारे पास टाइम भी आज ही था और बारिश रुक चुकी थी, जिस वजह से ना फिर हमने सोचा कि जाके हम लोग अपनी शॉपिंग कराते हैं। और यहाँ से आप देखें पहाड़ नज़र आ रहे हैं और नीचे का सारा एरिया नज़र आ रहा है, तो बहुत ही जो है ना ये जगह खूबसूरत लग रही है। अभी हम पहुंच चुके हैं स्टोर के अंदर। इससे पहले हम गए थे एक और मार्ट में, वहाँ से हमने कुछ कंटेनर ऐसी चीज़ें वगैरह लेनी थी, बर्तन वगैरह लेने थे, वो लिए हैं हमने। और उसके बाद फिर हम मार्ट में आए हैं। यहाँ पर जो है हमने करनी है ग्रोसरी की थोड़ी सी चीज़ें जो है वो लेनी है, शॉपिंग करनी है। तो यहाँ से ले कर फिर जो है ना हम इसके भी नीचे इसका अलग से ना वो यूनिट बना हुआ है जहाँ पर सारे कंटेनर्स और ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी मैं जाते हुए ज़रूर चेक करूँगी। जब आए हैं तो फिर चेक करने में क्या हर्ज है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है ना मिल रही हैं। मुझे अच्छे अच्छे कुछ कंटेनर चाहिए थे, मैं सोच रही या तो मैं ऑनलाइन मंगवाऊँ, अगर मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना ऑनलाइन मंगवाऊँगी। और यहाँ से भी ना हमें कुछ ख़ास नहीं मिला था, बस एक छोटू सा जो ना फ्राई पैन है वही मुझे मिला है और कोई ढंग की चीज़ नहीं थी। तो वापसी पे फिर हमने कुछ अमरूद और वगैरह लेने थे, फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि साथ जो है ना वो आजकल उसको अमरूद का शौक चढ़ा हुआ है, सेब वगैरह वो नहीं खाता। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए थे और बारिश के बाद जो है ना काफ़ी अच्छा अच्छा बाहर मौसम हो रहा है, और सर्दी तो तकरीबन मतलब कि ख़त्म हो गई है, ठंड महसूस नहीं हो रही थी बारिश के बावजूद भी। अभी मैं यहाँ गाड़ी में बैठ के कर रही हूँ वेट अम्मी का, क्योंकि वो कुछ लेने के लिए ना चली गई हैं, वो भूल गए थे हम लोग दही वगैरह लेनी थी। तो फिर मैं गाड़ी में उनका वेट कर रही हूँ कि जैसे ही वो आती हैं फिर हम लोग जाएंगे घर, और घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो है ना क्या क्या लिया है। अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहता, और जो है ना निकल के हम लोग आ गए, मेरी नाइफ वगैरह चीज़ें रह गई हैं। अभी भी जो है हम लोग घर पहुँचे मैं और मम्मी, और जो है ना टाइम बहुत कम था, अभी काफ़ी सारी चीज़ें रहती थी, लेकिन जहाँ से मैंने चीज़ें देखी ना वो फिर भी ना उनके रेट तरह नॉर्मल थे, लेकिन यहाँ जो अब नॉर्मल मार्ट और उसमें जाते हैं ना वहाँ रेट हाई थे, और जो हमारा एरिया ना ये वैसे ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो जिसकी वजह से जो मेरी मेन ज़रूरत की जो चीज़ें थी ना वो मैं लेके आई थी, जो ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी। बाकी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह मैं ना या तो ऑनलाइन मंगवाऊंगी क्योंकि उनमें रेट कम है, और कुछ कंटेनर वगैरह हैं वो चाहिए थे, और साथ के जूस के लिए मुझे फीडर या इस तरह की बॉटल चाहिए थी जो जिसमें स्ट्रॉ और वो इजीली पी ले, ताकि उसका एक तो निप्पल जो यूज़ करता है वो भी ख़त्म हो जाए फीडर वगैरह, और इसकी आदत भी थोड़ी सी बन जाए। और ये सेफ भी था तो फिर ये मुझे अच्छा लगा और मैं लेके आई हूँ, और अभी मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ कि हम लोग जो है ना क्या क्या लेके आए हैं। ये चीज़ें थी जो मैं लेके आई हूँ, ये कुछ कंटेनर मुझे किचन के लिए चाहिए थे, काफ़ी जो है ना वो ख़राब हो रहे थे पुराने वाले, तो ये जो दो लिए ना ये इस वजह से लिए हैं कि इसमें चीनी या चाय की पत्ती वगैरह कुछ भी मतलब कि आप रख सकते हैं, तो ये दो मैंने इसलिए लिए हैं। और ये मुझे डॉलर शॉप से मिले हैं, और इनका प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा है, और ये 170 में मिले हैं, और ये बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मैंने इसके मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्राइजेस देखे थे, तो यहाँ पर मुझे मिली ये 500, लेकिन मैंने ना दराज पे 300-400 इस तरह डिफरेंट मल्टी प्राइसेस में ये देखी थी बॉटल, तो मुझे फिर ये अच्छी लगी थी, मुझे यहीं से मिल गई, तो मैंने कहा डिलीवरी चार्जेस वगैरह डालें तो फिर वहीं पे बात चली जाती है, तो फिर मैंने ये यहीं से ख़रीद लिए। अच्छा, ये हमने एक्स्ट्रा में लिए, ये भी ऑयल की बॉटल है कि इसमें अगर एक्स्ट्रा जो ऑयल बच जाएगा ना वो इसके अंदर रख देंगे, ठीक है, क्योंकि जो है पहले भी साथ में ना शीशे की थी वो बोतल कांच की, तो उसने तोड़ दी थी, फिर मुझे ये लेनी पड़ी है। और ये तो खैर मैंने जस्ट डेकोरेशन के लिए ली है, प्यारी लगती है नॉर्मल मैं डाल के इसमें रखूँगी वो कभी कभी। और ये मैंने साथ कर लिया है फीडर, मतलब कि ये स्ट्रॉ के साथ बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है, मैं इसको खोल के देखती हूँ। इसमें ये होगा कि अगर इसको मैं दूध भी डाल के दूँ तो ये शायद पी लेगा, और इसकी ना फीडर की जो आदत है वो ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह करे हो जाए,
और जूस भी इसमें पी लेगा। एक और बॉटल देखी थी वो भी अच्छी थी, लेकिन इसके हिसाब से बोतल जो है ना काफ़ी इसके लिए बड़ी थी बॉटल, फिर मैंने वो नहीं ली। और एक ये छोटा सा लिए तड़का वगैरह बनाने लगाने के लिए, एक छोटू सा ही 320 में मुझे ये नज़र आ गया तो मैंने एक ये लिया। और ये मैंने क्रीम लिया, मेरी ख़त्म हो चुकी थी निविया के साथ में है चारकोल। अच्छा ये स्ट्रिप्स मुझे नज़र आ गई थी तो मैंने फिर ना ये ले लिया कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसी है। इसके अलावा रोटी बेलने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे ने जो मार्बल का था वो नीचे गिरा के तोड़ दिया, तो फिर ये मैं वुडन में लेके आई हूँ, अगर गिराया भी तो शायद ये टूटेगा नहीं। इसके बाद वुडन में ही मैंने ये लिया कटिंग बोर्ड, काफ़ी हैवी है ये लेकिन अच्छा है। और इसके अलावा दो जो है ना ये कंटेनर लिए कहीं आने जाने के लिए, चीज़ें वगैरह रखने के लिए, तभी ये यूज़ हो जाते हैं। और इसके अंदर जो जो लगा होता है रबर सा अंदर लिड सी जो इन्होंने लगाई होती है ना, तो इससे ना चीज़ जो है ना ज़्यादा गिरती वेती नहीं है, अगर कोई लिक्विड वगैरह चीज़ है ना तो वो सही रहती है। तो ये लिए हैं और ये यूज़ भी हो जाते हैं घर में, और ऐसी चीज़ें तो पता है आपको कभी वेस्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ डालने में जो है ना वो काम आ जाती हैं। तो बस यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, और अभी एक बड़ा भी जो है वो लेना है, लेकिन फ्राई पैन जो है ना वो, लेकिन रमज़ान से पहले पहले मुझे चाहिए वो, तो टाइम हमारे पास बहुत कम था और देर हो रही थी, दोबारा हम ना शॉप पे जा नहीं सकते थे, तो फिर हम जल्दी से घर आ गए। और इंशाल्लाह जो है ना मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।